हेलो नमस्कार दोस्तों, 9 अप्रैल 2018 की द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू के इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज सबसे पहले जो एक आर्टिकल आया हुआ है इंडिया गेट के बारे में, तो उस आर्टिकल में एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम उनको एक बार यहाँ पे नजर आउट है वो देख लेते हैं। देखो आर्टिकल ये है कि इंडिया गेट है वो पहले उसके बारे में कंटेक्स्ट है हम देख लेते हैं कि इंडिया गेट आपको पता बनाया कब गया था। सबसे पहले इंडिया गेट बनाया गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था उस टाइम पे, जो इंडिया के जवानों ने पार्टिसिपेट किया था, जो जवान शहीद हो गए थे उनकी याद में। इसी के साथ उस टाइम पे अफगान वार हुआ था तो उसमें जो सोल्जर्स मारे गए थे या जो सोल्जर्स हमारे देश की तरफ से शहीद हुए थे उनकी याद में एक्चुअली ब्रिटिश लोगों ने या ब्रिटिश एम्पायर ने ये इंडिया गेट है ये बनाया था। तो ये चीज़ एक तो हमें जाना कि उनकी मेमोरीज में बनाया गया था। इसके साथ इसमें एक एडिशन ही हो गया था, वो ये हुआ था कि 1971 में जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस टाइम पे उन्होंने एक अमर जवान ज्योति, जो वहाँ पे आपको आपने देखा होगा जब आप इंडिया गेट गए होगे आई हो, कि वहाँ पे एक ज्योति है जो एक आग की ज्वाला है जो कंटिन्यूस जलती रहती है, तो वो 1971 में ऐड है वो कर दी गई थी जवानों को याद के लिए। इसी के साथ कंटेक्स्ट अभी ये आता है कि देखो अभी बात ये की जा रही है कि वहाँ पे नेशनल वार मेमोरियल वो बनाया जाएगा, तो उस चीज़ पे राइटर ये कह रहे हैं कि देखो आप नेशनल वार मेमोरियल जो बना रहे हो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, मतलब कोई बुरी बात नहीं, इसमें काफ़ी अच्छे स्टेप है, बट आप ऐसे मामले हैं ना जो मतलब इंडिया गेट जैसे मुद्दे, इन मुद्दों पर आप कभी भी पॉलिटिक्स वगैरह वो ना खेलो। क्योंकि राइटर ऐसे कह रहे हैं कि देखो हमारे देश में क्या कि हर मुद्दे को एक तो पॉलिटिकल नज़र से देखा जाता है और मैक्सिमम संभावना ये की जाती है कि भाई उस मुद्दे को हम राजनीतिक तरीके से भुना लें और जितना भी फायदा हो सके उस फायदे को हम बटोर लें। तो राइटर का ऑल ओवर ये कहना है कि देखो हमें राजनीति से इस मामले में दूर रहना चाहिए क्योंकि ये हमारे देश की आइडेंटिटी का इश्यू हो जाता है और हमारे देश में जो जवान शहीद हुए थे उनकी सॉवरेनिटी का इश्यू है, तो इसलिए जो पॉलिटिशियन है उनको राजनीति यहाँ पे नहीं खेलनी चाहिए। तो ये सारा मुद्दा है जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, तो ये चीज़ थोड़ा कंटेक्स्ट था जो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। सॉरी अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आज हमारा आर्टिकल है वो है एक्चुअली पार्लियामेंट का जो भी सेशन हुआ था बजट सेशन उसको लेके। राइटर ये कह रहे हैं कि जो बजट सेशन है इस बार का वो सेम डेमोक्रेसी है, मतलब बात सीधी सी ये है कि जो हमारे जो संसद, संसद को क्या बोलते हैं मेनली टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी का एक मंदिर होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी हमारे देश में लगातार कम होती जा रही है। और राइटर का ये कहना है कि इस बार तो काफ़ी शर्मनाक बात ये रही कि अभी तक आज़ादी के बाद से देखा जाए तो इस बार जो पार्लियामेंट या बजट की जो जो एक प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम रही, सबसे कम रही है। राज्यसभा की रही है 27% के आसपास और लोकसभा की रही है ओनली और ओनली 21%। तो राइटर इस चीज़ को लेकर कह रहे हैं कि देखो हमारे देश में क्या हो रहा है फिलहाल कि पॉलिटिशियन है वो हर मामले को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के नज़र से देख रहे हैं, मतलब पॉलिटिशियन कुछ भी काम करें, कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के नज़रिए से ही काम कर रहे हैं। राइटर यहाँ पे ऐसी बात नहीं है कि अपोजिशन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं या जो पार्टी भी सत्ता में उसको, राइटर दोनों को क्रिटिसाइज करके कहती है, कह रहे हैं कि देखो अपोजिशन है वो ना तो वो अपना काम ढंग से कर पा रहा है और ना ही जो पार्टी सत्ता में वो अपना काम ढंग से कर पा रही है। दोनों ही पार्टियां सिर्फ ये देख रही हैं कि कहाँ उनको ज़्यादा फायदा हो सकता है और कहाँ ज़्यादा उनको वोट मिल सकते हैं और जो आगे इलेक्शन आ रहे हैं उनमें फायदा उठाया जा सके। देखो मेनली अपोजिशन का काम क्या होता है वो हम देखते हैं। अपोजिशन का काम क्या होता है, नॉर्मली अपोजिशन ये काम करता है कि जो भी गवर्नमेंट सत्ता में है वो कुछ भी ऐसा काम करे तो उसकी कोई भी ऐसी पॉलिसी जो गलत है या फिर जनता की किसी आवाज़ को उठाना है वो काम होता है अपोजिशन का, मतलब कोई भी पॉलिसी ऐसी जिसमें कमी है उन कमियों को सामने लाने का काम करता है अपोजिशन। बट आजकल हो क्या रहा है, अपोजिशन कमियों को सामने लाने के बजाय सिर्फ और सिर्फ ये मौका ताक रहता है कि भाई कुछ भी हो जाए बस हम ऐसा मुद्दा सामने उठा लें जिससे हमें वोट बैंक में फायदा वो हो जाए। तो आप देख सकते हो आज के टाइम में बीजेपी कांग्रेस मेनली किस तरीके की आपस में लड़ाइयाँ वो चल रही हैं कि दोनों पार्टियाँ सिर्फ ये देखती रहती हैं कि हमें इलेक्शन में कैसे भी फायदा वो उठाना है और सारे काम इसी के मद्देनजर को देखते हुए किए हैं वो जाते हैं। अब थोड़ा हम एक बार हम पार्लियामेंट के थोड़े सेशंस वगैरह के बारे में देख लेते हैं कि जो यूपीएससी मेनली प्रीलिम्स वगैरह में कुछ पूछ भी लेती है। तो देखो सबसे पहले पार्लियामेंट में होता है क्वेश्चन और होता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। तो लोकसभा में क्वेश्चन और होता है 11 से 12 में, इसके बाद में जीरो ओवर होता है वो होता है 12 से 1 के बीच में। तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि जीरो ओवर होता है वो 12 से 1 के बीच में वो क्या हमारे संविधान में या पार्लियामेंट के जो भी मतलब एक तरीके से प्रोटोकॉल वगैरह उसमें मेंशन है या नहीं है। इसके बाद में होता है लंच ओवर वो होता है 1 से 2 के बीच में और फिर 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक डिस्कशन होती है लोकसभा में और 2 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक डिस्कशन होती है वो होती है राज्यसभा में। क्योंकि आपको पता है कि लोकसभा में लोग वो डायरेक्ट जो एमपी होते हैं वो डायरेक्टली जनता को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए वहाँ पे डिस्कशन ज़्यादा देर होती है। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। बट राइटर ये कह रहे हैं देखो आजकल जो बातचीत है तो डिस्कशन है वो खत्म हो गई है, सिर्फ और सिर्फ आपस में हंगामा होता रहता है और कोई भी काम वो ढंग से परफॉर्म नहीं किया जाता है, तो ऐसा माहौल आजकल वहाँ पे हो रहा है। इसके बाद में देखो राइटर ये कह रहे हैं कि कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहाँ पे केवल जो पार्टियाँ वो आपस में एक साथ होते हैं, जैसे कि सैलरी का मुद्दा होता है, एमपी और एमएलए की सैलरी का जब भी मुद्दा आता है तो वहाँ पे दोनों पार्टियाँ एक हो जाती हैं।
इसके अलावा बाकी जो रियल मुद्दे होते हैं जहाँ पे कोई पॉलिसी वगैरह बनाती है, तो उन पॉलिसी के मामले में दोनों ही पार्टियां मिलजुल के साथ वो काम नहीं कर रही है। ना तो अपोजिशन अपने काम को ढंग से परफॉर्म कर पा रहा है और ना ही जो पार्टी सत्ता में वो अपने काम को ढंग से परफॉर्म वो कर पा रही है। तो ऑल ओवर बात कुछ ऐसी हो गई है कि देखो अभी लोकसभा में आपको बताया साहब साहब की बीजेपी बहुमत में, तो बीजेपी जो काम लोकसभा से हो सकता है केवल उन काम को तो बीजेपी चुपचाप करवा लेती है, बाकी राज्यसभा में काफी बिलों को भेजती नहीं है। जहां तक पॉसिबल लोकसभा में जो बिल खत्म होना है उसको लोकसभा में खत्म कर लेती है, क्योंकि देखो बीजेपी को पता है कि वहां पे अगर लोकसभा राज्यसभा में अगर बिल जाएगा तो वहां पे बहस करनी होगी और उससे कुछ ना कुछ कमियां सामने आ सकती है, इसलिए आपस में बातचीत करना ही नहीं चाहते हैं। तो अगर आपको सीधे सीधे वर्ड में बताऊं तो माहौल कुछ ऐसा हो रखा है अभी पार्लियामेंट में कि जो करंट गवर्नमेंट है बीजेपी वो एक्चुअली चाहती नहीं है काफी बार कि भाई वहां पे डिस्कशन हो, और ना ही अपोजिशन है वो सपोर्ट करता है। सबसे बड़ी बात ये भी है, ऐसी बात नहीं कि केवल बीजेपी की गलती है, अपोजिशन भी सही ढंग से काम नहीं कर रहा है और ना ही बीजेपी, तो दोनों को मिला के उनकी वजह से दिक्कत क्या आ रही है कि जो पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी है ना वो सबसे कम आ गई है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा माहौल आ गया तो इससे हमारे देश की जो डेमोक्रेसी ना वो खतरे में पड़ जाएगी, और जो बाहर की और जो कंट्रीज हैं जिनको हम एग्जाम्पल देते हैं कि इंडिया वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वो एग्जाम्पल धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि हमारे सेशन वगैरह सब लाइव होते हैं तो और कंट्रीज के लोग भी सेशन देखते हैं। हमें यूके की गवर्नमेंट के सेशन होते हैं उनसे कुछ सीखना चाहिए, रशिया में सेशन होते हैं वहां से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि राइटर देखो राइटर का ऐसा मानना है कि देखो वहां पे अगर यूके वगैरह में जब भी सेशन होते हैं तो वहां पे पार्लियामेंट वो प्रॉपर ढंग से परफॉर्म करती है, जबकि इंडिया में क्या होता है सिर्फ वोट बैंक को देखा जाता है कि भाई कहां से हमारे वोट बैंक का फायदा है, कहां से हमें वोट मिल सकते हैं, बस वो काम किया जाए बाकी जाए भाड़ में। तो इसी के साथ राइटर कह रहे हैं कि देखो जो सैलरीज वगैरह या तो वो काट लेनी चाहिए अगर प्रोडक्टिविटी कम आ रही है, इसके साथ कुछ ऐसे स्टेप उठाने चाहिए हमें जिससे हमारे पार्लियामेंट की जो प्रोडक्टिविटी है ना उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। स्पीकर है वो भी आजकल देखा जाए तो काफी साइलेंट रहे, देखो स्पीकर के पास काफी पावर होती है, इवन मैं तो सीधे सीधा बताऊँ तो आपको कुछ ऐसा मतलब होता है कि जब भी सेशन चल रहा है तो सारी पावर स्पीकर के पास ही होती है, सब कुछ काम स्पीकर को करना होता है, अगर कोई उनकी बातें नहीं मानना है तो उनको सस्पेंड वगैरह कर सकते हैं, सारे काम उनके कंट्रोल में रहते हैं। बट देखा जाए तो अभी स्पीकर है वो भी मौन बैठे हैं, उन्होंने भी कोई एक्शन है वो नहीं लिया, और अभी देखा जाए तो नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो रही थी बट उस पर भी स्पीकर है उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो राइटर का कहना है कि देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो तो सारा स्पीकर के हाथ में है, और इस बार हुआ कितनी शर्मनाक बात, वो ये बात थी कि स्पीकर है वो 50 लोगों को काउंट ही नहीं कर पाए एक्चुअली, इतनी वहां पे एक तरीके से ड्रामबाजी हो रही थी। तो राइटर कह रहे हैं कि हमें हमारी जो डेमोक्रेसी है उसको एक्चुअली स्ट्रॉन्ग करना होगा और जो पार्लियामेंट में जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको में भी हमें आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि भी देखा जाए तो सबसे कम लेवल पे हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो आगे, तो इसमें कुछ ना कुछ स्टेप उठाने ही होंगे तभी कुछ ना कुछ फायदा है वो होगा। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला जो आर्टिकल है वो है SC ST एट्रोसिटीज एक्ट के बारे में। तो एक्चुअली जो राइटर है वो जो सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया था 20 मार्च को उसको कम्प्लीटली तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं। राइटर का देखो ऐसा कहना है कि भाई जो SC ST एट्रोसिटीज एक्ट था वो सही था और उसको सुप्रीम कोर्ट में ऐसे प्रावधान नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का काम क्या होता है मेनली, देखो सुप्रीम कोर्ट का काम है कि न्याय करना, बट यहाँ पे देखा जाए तो जो दलित वर्ग है उसको न्याय नहीं मिलेगा। अब न्याय इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उन पर ऑलरेडी पहले से काफी अत्याचार हो रहे हैं, उनमें ऑलरेडी रेप के केसेस वो बढ़ते जा रहे हैं, सोसाइटी में उनको काफी अलग रखा जा रहा है। तो ऐसे माहौल में अब जो SC ST एक्ट है उसमें प्रावधान ऐसे किए गए हैं कि अगर कोई भी SC ST का कैंडिडेट है अगर वो केस करवाने जाता है किसी के खिलाफ तो उसको पहले पुलिस वो वेरीफाई करेगी, उसके बाद देखेगी कि हाँ केस सही है नहीं, तभी उसको जेल में है वो डाला जाएगा कि जो भी आरोपी है उसको। तो राइटर कह रहे हैं कि देखो ऑलरेडी हमारे देश में काफी अत्याचार हो रहे हैं ना SC ST पे, तो उसकी वजह से जो मामला और ज्यादा गंभीर हो जाएगा, और यहाँ पे बात की जा रही है आर्टिकल 17 की, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में अब माहौल क्या हो जाएगा कि SC ST है उनको और ज्यादा दबाया जाएगा, और माहौल कुछ इस प्रकार का हो जाएगा कि SC और ST वो केस फाइल करने ही नहीं जाएंगे। तो अगर वो लोग केस फाइल करने नहीं जाएंगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि SC और ST के खिलाफ माहौल और ज्यादा खराब हो जाएगा और उन लोगों को कहीं भी राइट्स वगैरह नहीं दिए जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश की डेमोक्रेसी है उसके खिलाफ भी बात सामने आ जाती है। राइटर कह रहे हैं कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो SC ST जो एक्ट है इसको डायल्यूट किया है, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान ही होने वाला है, इससे लोगों का शोषण और बढ़ेगा और जो भी अत्याचार किए जा रहे थे पहले वो अत्याचार और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इससे जो बाकी और वर्ग के लोग हैं उनको फायदा मिलेगा और वो जानबूझ के ऐसे केसेज है वो जानबूझ के ऐसे क्राइम वगैरह करेंगे और SC ST के जो भी केसेज हैं उनकी सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि उनकी सुनवाई वो पहले से नहीं हो रही है, तो ऐसे माहौल में उनको एक्चुअली सपोर्ट करने का कोई माहौल है उचित वही नहीं बच पा रहा है। तो इसलिए कुछ ना कुछ स्टेप है वो उठाने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णय वगैरह को या जो रिव्यू वगैरह है वो करना चाहिए। तो मेनली इस आर्टिकल में कुछ बेसिक पॉइंट है वो इसी प्रकार दिए गए हैं। सॉरी, अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल है वो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 2018, इसको यहाँ पे राइटर वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस आर्टिकल में।
नेशनल जो फॉरेस्ट पॉलिसी सबसे पहली वो आई थी 1952 में आजादी के बाद। तो 1952 में जो फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी उसमें एक्चुअली जो प्रावधान अंग्रेजों ने किए थे सेम मौके वही प्रावधान किए गए थे, क्योंकि आपको पता है कि उस टाइम भारत आजादी हुआ था तो भारत के पास इतनी पावर नहीं थी, एक्चुअली इस तरीके का पूरा डिपार्टमेंट वगैरह नहीं थे कि वो नहीं खुद की अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी ढंग से स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो उस टाइम पे तो एक तरीके से जो पॉलिसी अंग्रेजों की थी सेम उसी को ऐसा तोड़ मरोड़ के थोड़ा बहुत अडोप्ट कर लिया गया था। इसके बाद में नई पॉलिसी जो गवर्नमेंट इंडिया ने बनाई वो बनाई 1988 में। तो 1988 में जो फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई थी उसमें भी काफी कुछ खामियां थी, ऐसी बात नहीं कि वो सब कुछ पूरे ढंग से सब लोगों को सेटिस्फाइड वगैरह कर रहे थे। तो इससे के लिए अभी 2018 में जो नई फॉरेस्ट पॉलिसी बनाने की बात है इसमें काफी कुछ कमियां यहाँ पे राइटर वो बता रहे हैं। राइटर का सीधा सीधा ऐसा कहना है कि देखो जो 1988 से लेकर 2018 के बीच में जो भी कमियां रही है इस टाइम में, उन कमियों को एक्चुअली इस फॉरेस्ट पॉलिसी में इंक्लूड हो नहीं किया गया है। अभी भी देखा जाए तो इन काफी कुछ कमियां नई फॉरेस्ट पॉलिसी में, उनको हम एक एक करके यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर राइटर थोड़ा डाटा दे रहे हैं कि देखो अभी भी देखा जाए तो लगभग 250 मिलियन लोग हैं जो कि फॉरेस्ट पे निर्भर रहते हैं। मतलब वो 250 मिलियन लोग हैं वो केवल वनों पे निर्भर रहते हैं, और ट्राइबल जो लोग रहते हैं जो कि मेनली फॉरेस्ट वाले एरिया में रहते हैं वो तो मैक्सिमम पूरे तरीके से ही फॉरेस्ट के ऊपर निर्भर रहते हैं, आंशिक रूप से नहीं मतलब पूरे तरीके से, उनकी तो आजीविका वही फॉरेस्ट के तरीके से ही चलती है। तो यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि देखो आज के टाइम पे जो माहौल क्या हो रहा है कि फॉरेस्ट है उसको नॉन फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो ऐसे माहौल में क्या हो रहा है कि जो नई फॉरेस्ट पॉलिसी है वो भी कोई एक्शन वगैरह नहीं ले पा रही है। इसी के टाइम पे राइटर कह रहे हैं कि देखो ब्रिटिश टाइम पे जो फॉरेस्ट पॉलिसी थी वो तो थी अंग्रेजों के अकॉर्डिंग, मतलब ब्रिटिश लोगों ने अपने फेवर में बना रखी थी, और उनका तो सिर्फ एक ही काम था भारत से सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना। तो वो केवल और केवल प्रॉफिट के ऊपर काम करते थे, केवल और केवल रिवेन्यू के आधार पर पॉलिसी है उनकी वो काम किया करती थी। बट यहाँ पे अभी हमारे देश की स्वतंत्र डेमो हमारे देश स्वतंत्र है तो इस मामले में देश को एक तरीके की ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि सभी लोगों को उसका फायदा हो। देखो यहाँ पे बात की जा रही है कि जो फॉरेस्ट कम्युनिटी रहती है उसको यहाँ पे कोई भी रियायत है वो नहीं दी गई है, क्योंकि फॉरेस्ट कम्युनिटी को कई बार ऐसा देखा जाता है कि उनको जंगलों से मार कर उन जंगलों से उनको पीट कर भगा दिया जाता है, उनको फॉरेस्ट एरिया को कवर कर लिया जाता है। इसी के साथ जो कंजर्वेशन है उसको भी कोई फोकस है वो नहीं किया जाता है। तो राइटर का ऐसा कहना है कि देखो अगर हमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन पर फोकस करना है या हमारी बायोडाइवर्सिटी को बचाना है या फिर हमें हमारा जो इकोसिस्टम है इन्वायरमेंट इन सबको अगर बचाना है तो हमें लोकल कम्युनिटी पर फोकस है वो करना होगा, क्योंकि लोकल कम्युनिटी को हर चीज के बारे पता होता है कि फॉरेस्ट में तो कहां से कुछ लीकेज हो रहा है। देखो आप इस चीज को कॉमन तरीके से समझ सकते हो, कोई भी अगर फॉरेस्ट है उसमें अगर कोई लोकल कम्युनिटी रहती है, कोई आदिवासी लोग रहते हैं, तो उनको उस फॉरेस्ट के बारे में पूरी जानकारी होती है, ना कि गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को कोई जानकारी नहीं होती है, गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, लिमिटेड एक्सेस है वो होती है। तो अगर गवर्नमेंट उन जो समुदाय के जो लोग होते हैं जो कि ट्राइबल एरिया के जो उस फॉरेस्ट में रहते हैं अगर उनकी हेल्प लेकर उसको कंजर्वेशन पे फोकस करेगी तभी ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो लोग लोकल के होते हैं उनको पता होता है कि भाई किस टाइम पे तो लोग यहाँ पे पोचिंग करते हैं, कब वो फॉरेस्ट वगैरह काटते हैं, उनको सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो अगर गवर्नमेंट उनके साथ मिलकर काम करेगी तभी जो नई न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी है हमारे देश की वो प्रॉपर ढंग से काम है वो कर पाएगी। इसी के साथ राइटर कह रहे हैं कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उस पर भी फोकस करना चाहिए, और जो ग्राउंड रियलिटी है उसको गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो ट्राइबल लोग हैं उन्हीं को सच पता होता है कि फॉरेस्ट में क्या हो रहा है एक्चुअली और क्या नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट को उनको साथ लेकर चलना चाहिए। इसी के साथ गवर्नमेंट को सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड लेवल पर काम करना चाहिए। अभी देखो हो क्या रहा है, जो पॉलिसी है वो केवल और केवल बना दी जाती है। देखो एक तरीके आप समझ सकते हो कि फॉरेस्ट है वो तो आपको पता है काफी दुर्गम वाले एरिया में मेनली फॉरेस्ट होते हैं। अब पॉलिसी मेकर जो होते हैं उनको फॉरेस्ट के बारे में प्रॉपर पता ही नहीं होता है कि फॉरेस्ट में क्या क्या तो इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या हम स्टेप उनको उठाने हैं, तो क्या क्या केवल पॉलिसी तो बना देते हैं बट वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है, क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ अलग होती है और पॉलिसी मेकर होते हैं वो कुछ अलग तरीके से पॉलिसी बनाते हैं। तो इस तरीके से दोनों में मिसमैच होने की वजह से रिजल्ट क्या होता है कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात होती है वो धरी की धरी हवा में ही लटकी रह जाती है। तो हमें यहाँ पे फोकस करने के लिए राइटर कह रहे हैं कि जो भी नई फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई जाती है उसके लिए पहले जो वहाँ पे लोकल कम्युनिटी होती है उसकी हेल्प लेनी चाहिए। लोकल कम्युनिटी बताएगी कि भाई यहाँ पे इस तरह की जरूरत है, ये गवर्नमेंट स्टेप उठा सकती है, तो उन सारी बातों को कंसीडर किया जाएगा तभी हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे स्टेप उठा सकते हैं, जो कि नई फॉरेस्ट पॉलिसी में इंक्लूड है वो नहीं है, इसलिए राइटर से क्रिटिसाइज वो कर रहे हैं। राइटर यहाँ पे एक पॉजिटिव बात ये बता रहे हैं गवर्नमेंट की कि देखो गवर्नमेंट ने एक फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया किया थी 2006 में, जिसमें यह प्रावधान किया था कि जो ट्राइबल लोग या जो लोग फॉरेस्ट में रहते हैं उनको एक्सेस दे दी गई थी कि भाई वो फॉरेस्ट के जो भी रिसोर्सेज वगैरह हैं उनका यूटिलाइजेशन वो कर सकते हैं। तो राइटर ये कह रहे हैं कि देखो गवर्नमेंट को इस पे और ज्यादा फोकस करना चाहिए, और ये जो एक्ट था ना इसमें और भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, अभी भी इसमें काफी कुछ लिमिटेशन लगाई गई है ट्राइबल एरिया के लिए, तो उन लिमिटेशन को हटाना चाहिए और उनके ऊपर फोकस करना चाहिए, और मेनली ट्राइबल एरिया वो फॉरेस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता है तो उस चीज पर भी हमें ध्यान वो देना चाहिए। अब राइटर कह रहे हैं कि देखो आज के टाइम पे जो प्रॉब्लम है और ज्यादा बढ़ती क्यों जा रही है, वो इसलिए बढ़ती जा रही है कि आज के टाइम पे जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो आपको पता है सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, और प्राइवेट सेक्टर अगर किसी फॉरेस्ट को काट रहा है तो उसका मोटो सिर्फ एक ही होता है कि भाई पैसा कमाना। अगर उस
अगर उसको वहां पे फायदा नहीं होगा तो वहां पे एक्चुअली वो इन्वेस्टमेंट करेगा ही नहीं, तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर का जो मोटा होता है वो सही नहीं होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को यहाँ पे कोई स्टेप उठाने चाहिए, और जो भी फॉरेस्ट के एरिया में अगर कोई इंडस्ट्री वगैरह लगे जाती है तो गवर्नमेंट को उसके अकॉर्डिंग स्टेप उठा के काम हो करना चाहिए, और जहां तक हो सके उस इंडस्ट्री को दूसरी जगह ट्रांसफर हो कर देना चाहिए। क्योंकि देखो हमारे देश में काफी कुछ ऐसा एरिया है, बंजर एरिया भी है कि जहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह नहीं है, तो इंडस्ट्री तो उस वाले एरिया में भी लगाई जा सकती है, बट फॉरेस्ट हर एरिया में लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट के लिए एक प्रॉपर इन्वायरमेंट की जरूरत होती है। तो इसलिए मैं फॉरेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं करना चाहिए, हमें जो इंडस्ट्री वगैरह है उन्हीं को ट्रांसफर करना चाहिए। क्योंकि फॉरेस्ट अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करेंगे तो जो फॉरेस्ट की क्वालिटी है, जो पेड़ पौधों की क्वालिटी है, वो धीरे धीरे डाइवर्सिटी वो खत्म हो जाएगी। अब देखते हैं आगे हम कैंपा बिल के बारे में। तो जो कैंपा फंड है, सॉरी ये क्या है, देखो राइटर कैंपा फंड के यूज को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जो कैंपा फंड है वो गवर्नमेंट ने बनाया था कि भाई जो भी अगर फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं तो उसके जगह दूसरे फॉरेस्ट है वो लगाए जाएंगे। बट राइटर का ऐसा कहना है लोकेशन की बात, जैसे हमने काफी बार डिस्कस भी किया है कि जैसे मान लो कि वेस्टर्न घाट में कोई फॉरेस्ट है उसको काटा जा रहा है, और उसके बाद आप फॉरेस्ट लगा रहे हो दिल्ली में, तो आपको पता है कि वेस्टर्न घाट की ज्योग्राफिक लोकेशन कुछ अलग है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कुछ अलग टाइप की है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो सेम पेड़ पौधे वो दिल्ली में लग जाएंगे, तो इसलिए उसका फायदा नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि देखो पेड़ पौधे काटने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है, अगर कोई भी इंडस्ट्री लग रही है तो वो पेड़ पौधे तो 3-4 दिन में काट लेगी या महीने भर में काट देगी, बट पेड़ पौधे वापस ग्रो बड़े होने में और पूरा जंगल बनने में काफी साल लग जाते हैं, तो क्या होता है कि आउटकम उतना नहीं आ पा रहा है। और इसी के साथ क्या होता है कि कई बार प्रोडक्टिविटी भी उतनी नहीं होती है, मतलब कि जितने पेड़ पौधे लगाए जाते हैं वो सारे पेड़ पौधे सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो सीधी सी बात क्या है कि अगर एक जगह से दूसरी जगह फॉरेस्ट को ट्रांसफर किया जा रहा है तो उसका रिजल्ट भी अच्छी बात नहीं है, और बायोडाइवर्सिटी को नुकसान वो ज्यादा पहुंचता है। इसी के साथ जैसे लोकल कम्युनिटी है वो तो ऑब्वियसली उसी वाले एरिया में रहती है, तो अगर उनको वहां से भगाया जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत है, और उनके ह्यूमन राइट्स का उनका भी उल्लंघन है वहां पे हो रहा है। सॉरी इसके बाद में अगला पॉइंट है वो आता है इकोलॉजिकल एंड सोशल इफेक्ट की बात की जाती है, कि जो इकोलॉजिकल और जो सोशल इफेक्ट है ना उसके ऊपर गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि भाई इन्वायरमेंट पे क्या नुकसान हो, इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जो सोशल इफेक्ट है जो लोगों की सोशल लाइफ है उस पर भी कुछ इफेक्ट है वो पड़ रहे हैं, तो उन चीज़ों को हमें फोकस करना चाहिए। इसी के साथ जो पॉलिसी है ना वो एक तरीके से डिसेंट्रलाइज प्रोसेस में बनानी चाहिए, मतलब पहले सेंट्रल लेवल वो पॉलिसी बना रहा है तो वो स्टेट के अकॉर्डिंग बनानी चाहिए, स्टेट को भी देखना चाहिए कि वहाँ पे किस तरीके की पॉलिसी काम कर सकती है, और जिले के लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पॉलिसी वो बननी चाहिए, मतलब हर लेवल पे पॉलिसी है वो बननी चाहिए, और उनका रिव्यू होना चाहिए टाइम टू टाइम, और जो कंजर्वेशन के लिए जो स्टेप और उठाए जा सकते हैं उनको भी और ज़्यादा फोकस है वो करना चाहिए। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।